डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद द्वार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है और ये चैप्टर 18 है, एक्सरसाइज 83। इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्चुअली ये लास्ट चैप्टर है और इसमें पूरे बुक का जो है वो ब्रीफली क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए कि समरी दिया हुआ है, पूरा बुक का निचोड़ दिया हुआ है इसमें, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये फोर पार्ट तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इसमें आज मैं पार्ट फाइव कंप्लीट कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं और एक पार्ट इसका और बनेगा, उसमें ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 से है। तो यहाँ पे 69 में दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाया नहीं हूँ, अब कुछ उसमें चैप्टर बाकी है क्लास फाइव का मैथ में। तो फिर यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक्यूट क्या होता है, एक्यूट होता है, समझिए कि एक्यूट जो होता है जीरो डिग्री से 90 डिग्री के नीचे, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 90 से आगे और 180 से पीछे कम, इन दोनों के बीच में जो होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, इन दोनों के बीच में जो होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 37, ये 37 जो है ये 90 से नीचे है, 90 से आगे है, इसको नहीं लेंगे, 90 भी नहीं लेंगे, क्योंकि 90 जो होता है वो राइट एंगल कहलाता है और 180 जो होता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है, और 102 ये 90 से ज़्यादा है तो इसको भी नहीं लेंगे, 47 90 से कम है, और ये भी 83 जो है ये भी 90 से कम है, इसका मतलब ये भी एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल में यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 और इसमें एक हो गया एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल लिख लेते हैं, ये हो गया एक्यूट एंगल्स। तो इसमें कौन कौन सा एक्यूट एंगल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 37 डिग्री, उसके बाद 47 और एक आ रहा है 83 डिग्री। तो ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। उसके बाद ये दूसरा हो गया ऑब्ट्यूज, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन कौन है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ज़्यादा है, तो 90 से ज़्यादा ये हो गया, और 180 नहीं जाना है उससे नीचे, तो ये हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ दो ही ऐसे एंगल हैं जो ऑब्ट्यूज एंगल हैं, तो इसको लिखते हैं 95 और 102। तो ये हो गया 95 डिग्री और 102 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पे आते हैं, कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, 125 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो ये बनाने के लिए कह रहा है, तो हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से बना लेंगे। ये है ये प्रोटेक्टर, अब इसको कैसे बनाते हैं, 60 डिग्री से पहले बनाएंगे, ये हो गया 70 क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का पहले बनाएंगे 60 डिग्री। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको सूटेबल के लिए यहाँ पे घुमा देता हूँ और लाइन इसमें खींच लेंगे हम लोग, इसी से खींच लेते हैं। मैं पेन से ही बना दे रहा हूँ, हालांकि ये पेंसिल से बनाने के लिए कहा जाता है। एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं। अब उस पॉइंट को जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिख रहा होगा ये पॉइंट जो है यहाँ पे, पॉइंट को इसके बराबर में रखना है, इक्वल में, और फिर 60 जहाँ आएगा 60 इधर, इधर जीरो से ऐसे चलता है और इधर आगे जाएगा। तो यहाँ पे इसको ठीक से रखना है, लाइन टू लाइन मैच कर देना है पॉइंट में, बिल्कुल ये ठीक हो गया। अब यहाँ से 60, यहाँ पे 60 आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक बिंदु लगाते हैं, बिंदु लगा दिए। अब उस बिंदु से इसको बराबर मिलाना है ये, और एक लाइन खींच देना है, ये हो गया। तो ये जो है ये एंगल जो बना वो 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसको हम यहाँ पे ये करते हैं और 60 डिग्री लिखते हैं, तो ये बन गया, इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद 125 का बनाने के लिए कह रहा है, तो 125 यहीं पे बना लेते हैं, 125 डिग्री। एक्चुअली ये 125 जो है वो इधर से घूम के बनेगा, तो यहाँ पर एक लंबा इस लाइन को ही इस पे ही ले लेते हैं, इसको लॉन्ग कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं, ये हो गया। अब जो है इसका पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, पॉइंट यहाँ है, अब यहाँ इसको बैठाते हैं पॉइंट पे और लाइन पर से लाइन को मिला देते हैं, ये हो गया 125। तो यहाँ 120 आ रहा है, 120 और ये 130 है, और इसके बीच में आ गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब इसको फिर एक सीधी लाइन मिला लेना है इससे,
यहाँ पे ये, इसको यहाँ से मिला दिए। अब ये जो एंगल बना ये 125 डिग्री का है, इसको यहाँ पे इस तरह से गोल कर दिए और यहाँ पे लिख दिया 125 डिग्री, ये बन गया। उसके बाद लास्ट में एक 75 डिग्री का बनाने के लिए कहा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले लाइन खींचना होगा, सीधा लाइन, और इसका पॉइंट जो है यहाँ रखते हैं यहीं पे स्टार्टिंग में, और यहाँ से इसको लाइन पे ये बैठा दिए, और 75, तो यहाँ 70 है, 70 और 80 के बीच में, तो ये हो गया। यहाँ पॉइंट देते हैं और एक सीधी लाइन खींचते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, ये हो गया। तो ये हो गया 75, इसको गोल करेंगे और ये 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 70 का ये कंप्लीट हो गया। इसमें तीन एंगल बनाने के लिए दिया हुआ था, तो ये तीनों बन गया, 60, 125 और 75 डिग्री का ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे यहाँ पे देख रहे हैं 71, क्वेश्चन नंबर 71, और यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब है किसी को, जिसको हिंदी में चांद भी बोला जाता है, तो ये प्रोटेक्टर यही है। तो यूजिंग प्रोटेक्टर फाइंड द सम ऑफ, प्रोटेक्टर को यूज करते हुए इस पिक्चर को यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सम मतलब इसका जोड़ निकालना है, जोड़कर निकालना है, एंगल 1, 2, 3। तो यहाँ पे ये एंगल 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6 एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, और ये पूरा एक सर्कल है। तो पूरा एक सर्कल का पूरा एंगल लेते हैं तो 160 डिग्री होता है, आप लोग इसको पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पे 1, 2, 3 दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने पहले से नाप लिया है, इसी से नापा है। तो यहाँ 120 डिग्री है, फिर 30, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, और यहाँ 95 है, और यहाँ 55 है। आप नाप कर देख सकते हैं इसे, किसी को भी इस तरह से नाप सकते हैं, जैसे कि यहाँ घुमा लिए, और यहाँ पे पॉइंट पे बैठाना है, सब लाइन टू लाइन मिलाना है, ये हो गया। यहाँ पे आ रहा है 120, तो 120 डिग्री, ये 120 है, तो इस तरह से नाप सकते हैं इससे। सब यहाँ पे मिला हुआ है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 1, 2, 3, तो 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे ध्यान देना कि एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री बनता है, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो है 180 डिग्री बनेगा। तो 1, 2, 3, और वैसे भी जोड़ते हैं 120 और 30, तो 150 हो गया, और फिर 30, तो 180 हो गया। इसका मतलब है कि ये 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 180 डिग्री, इसका आंसर हो गया 4, 5, 6। अब यहाँ से 4, 5, 6, तो यहाँ से एक सीधी लाइन जो है, उस सीधी लाइन के सब इधर जितना भी एंगल है वो सारा लिया गया है, इसका मतलब है कि इधर भी 180 डिग्री होगा। वैसे भी जोड़कर देखने से 95, 55 और 30 को जोड़ेंगे तो 180 आता है, इसका मतलब है कि ये 180 होगा, इसका भी आंसर 180 डिग्री हो गया। हाउ मच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर सारे को लेते हैं तो वैसे भी जोड़ने से 360 डिग्री आएगा, और पूरा जो है ये पूरा सर्कल को अगर लेते हैं तो उसमें भी 360 डिग्री आएगा। पूरा सर्कल या पूरा स्क्वायर लेते हैं या फिर पूरा रेक्टेंगल लेते हैं, उसमें 360 डिग्री आता है, इसका भी वही आएगा 360 डिग्री, इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 72 में ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर। तो जैसे मैंने करके दिखाया यहाँ पे जो जैसे मैंने करके दिखाया 125 डिग्री का, तो उसी तरह से 120 डिग्री का भी आप लोग बना सकते हैं। इसको मुझे नहीं लगता बनाने की आवश्यकता है, इसको आप स्वयं बना लेंगे। उसके बाद 73, इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इच लेटर हैव, ये जो लेटर दिया हुआ है इंग्लिश का, तो इसमें कितने सिमेट्री लाइन खींचा जा सकता है। सिमेट्री लाइन का मतलब होता है वह लाइन कि जो बिल्कुल आधा आधा बांट दे और दोनों साइड एक जैसा शेप हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कितना दिया जा सकता है, इसमें एक लाइन खींचा जा सकता है। अगर हम यहाँ से बीच से काटते हैं तो इधर दूसरा शेप हो जाएगा और इधर दूसरा शेप हो जाएगा, और अगर यहाँ बीच से हम ऐसे काटते हैं तो इधर वही शेप होगा और इधर भी सेम शेप होगा, मतलब यहाँ पे 1 सिमेट्री लाइन दिया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इसको हम इस तरह से काट देंगे, ये हो गया इस तरह से, इसको स्केल रख के काटना है ताकि लाइन जो है सीधी बने। तो ये हो गया 1 सिमेट्री लाइन, तो इसका जो है आंसर 1 हो जाएगा, 1। ए को अगर हम ऐसे काटते हैं तो इधर अलग शेप, इधर अलग शेप, और ऐसे काटते हैं इधर जो शेप बनेगा इधर भी वही शेप बनेगा, तो इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे काट सकते हैं, ये काट दिए तो इसका भी 1 सिमेट्री लाइन 1 ही रहेगा। ये एच हो गया, तो इसको हम काट सकते हैं, ऐसे काटेंगे तब भी वही शेप इधर रहेगा और इधर भी वही शेप रहेगा, और ऐसे काटते हैं इधर भी वही शेप, इधर भी वही शेप, इसका मतलब है कि हम ऐसे काट सकते हैं इसको, ये काट सकते हैं और इसको फिर ऐसे काट सकते हैं, मतलब 2 सिमेट्री लाइन इसमें आएगा। तो यहाँ पे 2 इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में ये दिया हुआ है M, तो M को ऐसे काटेंगे या ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, लेकिन इक्वल शेप दोनों साइड नहीं आएगा, तो
इक्वल शेप दोनों साइड आएगा, एक बीच में ऐसे लाइन खींचते हैं, इधर भी वही इधर भी वही, तो यहाँ पे एक सिमेट्री लाइन ये हो जाएगा और इसमें एक ही सिमेट्री लाइन बनेगा, इसका आंसर वन हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सी दिया हुआ है फाइव नंबर में, तो इसको इस तरह से काटते हैं, इधर इधर अलग शेप, इधर अलग शेप, तो इसमें एक सिमेट्री लाइन आएगा इस तरह से, इधर जो शेप बनेगा इधर भी वही शेप बनेगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा वन, तो इसका आंसर वन, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। 74 में भी उसी तरह का दिया हुआ है, इसमें भी सिमेट्री लाइन ही खींचने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें सिमेट्री लाइन इस तरह का जो पिक्चर दिया हुआ है, इसमें कितने सिमेट्री लाइन हो सकते हैं, इसमें एक सिमेट्री लाइन इस तरह से लिया जा सकता है, अगर इस तरह से एक सिमेट्री लाइन लिया जाए तो इस साइड में जो शेप बन रहा है इस साइड में भी वही शेप बन रहा है, और फिर इस तरह से भी लिया जा सकता है, तो यहाँ पे एक सिमेट्री लाइन इधर से ले लेते हैं, इसमें क्या होगा कि इधर जो शेप आएगा इधर भी सेम शेप आएगा, तो यहाँ पे ये दो सिमेट्री लाइन हो जाएगा, इसका आंसर टू हो जाएगा। और इसको पिक्चर को शायद आप लोग को दिखना रहा हो, इसका शेप इस तरह से है, अब आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसको सिमेट्री लाइन देने के लिए हम दो तरह से दे सकते हैं, इस तरह से दे सकते हैं और इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से क्रॉस सिमेट्री लाइन नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे एक इस तरह से ले लेते हैं हम लोग, एक सिमेट्री लाइन हो गया और दूसरा इस तरह से ले सकते हैं, इसका मतलब है कि इसमें भी हम टू सिमेट्री लाइन दे सकते हैं, इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री पूछ रहा है कि रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। रोटेशनल सिमेट्री जो होता है वो घूमते हुए क्रम में होता है, घूमने के क्रम में वो जिस शेप में पहले था उसी तरह का शेप में वो कितनी बार आएगा, तो सिंपली आप समझ सकते हैं ये जो है अगर हम इसको घुमाते हैं एक बार, जब घुमाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ये वर्टिकल है और ये हो जाएगा हॉरिजेंटल में आ जाएगा, उसके बाद फिर घूमेगा एक बार फिर जो है हॉरिजेंटल वर्टिकल में आ जाएगा, मतलब ये टू बार होगा, इस तरह से राउंड करने के क्रम में, रोटेट करने के क्रम में जो है ये दो बार होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। अब सिंपली यहाँ पे समझिए कि जितनी पत्तियाँ पंखुड़ियाँ जितनी होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये फाइव इसमें पंखुड़ियाँ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फाइव टाइम्स जो है इस शेप में, जो पहले वाला शेप जो है तो उस शेप में फाइव टाइम आएगा, मान लीजिए कि ये यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया तो उसी शेप में रहेगा, फिर ये यहाँ चला गया तो फिर ये यहाँ चला जाएगा, इस तरह से तो ये फाइव टाइम्स जो है उसी शेप में आएगा, तो इसका आंसर फाइव हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरह का शेप दिया हुआ है, इस तरह से लाइट शेप दिया हुआ है कि वो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो मैंने कलम से इसको थोड़ा सा चला दिया है ताकि दिखाई पड़े, इस तरह का शेप है, तो इसमें समझिए कि इस कितनी पंखुड़ियाँ हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे ये इस क्रम में है, तो ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ चला जाएगा, फिर ये जो ये जब यहाँ फिर आएगा तो फिर ये इस तरह से, मतलब तीन पंखुड़ियाँ हैं तो ये तीन बार जो है उसी शेप में आएगा जिस शेप में पहले था, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्री, ये हो गया। अब इसमें आप समझिए इसमें चार पंखुड़ियाँ हैं, तो ये जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ इसके आएगा, मतलब एक एक करके आते रहेगा, तो चार पंखुड़ियाँ हैं तो चार बार आएगा, इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा फोर, ये हो गया, ये इसका आंसर है। इस तरह से इजीली आप समझ सकते हैं, और इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा आपका डाउट जो है क्लियर होता जाएगा। अब 76 नंबर में कन्वर्ट यहाँ पे 0.8 स्क्वायर मीटर इंटू स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे अब मीटर या सेंटीमीटर हो तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन यहाँ पे अब स्क्वायर दिया हुआ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इसमें भी स्क्वायर दिया हुआ है मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर, तो ये कैसे आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने पर आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये 76 क्वेश्चन नंबर ए हो गया, थोड़ा सा आपको डिटेल करके मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर मीटर, सपोज स्क्वायर मीटर नहीं है, हमको सिर्फ मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम वन मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसको जो है स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगाने पर क्या होता है, पावर टू हो जाता है, तो वन मीटर स्क्वायर लगा दिए, यहाँ पे स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको जो है क्या हो जाएगा, ये पावर टू है तो ये दो बार हो जाएगा, 100 हो गया इंटू 100 हो गया, ये जब यहाँ अगर क्यू लगा हुआ रहेगा तो ये तीन बार हो जाएगा इस तरह से, तो इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, यही पूछा जाता है, या फिर क्यू रहेगा, यहाँ पावर थ्री रहेगा, बस यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो यह दो चीज़ सीख लिया तो आप सब सीख लिया, तो ये हो गया सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 पे ये 2 जीरो आ जाएगा, इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। बस अब ये फॉर्मूला बन गया, अब इसके अनुसार से आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ मेरे पास कितना है, ये है 0.8
आपको इतना लिखना नहीं, मैं समझा दे रहा, समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, आप जो है सिर्फ यहाँ से लिखिए और फिर इस लाइन को लिखिए। मीटर स्क्वायर हो गया इक्वल टू ये जो है 0.8 इनटू 10,000, ये हो गया। अब इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये चार जीरो है तो ये चार बार चलेगा, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, तो ये चार बार चलेगा, तो एक बार चला तो 8 आ गया, दूसरा चला तो 80 आ गया, तीसरा चला तो 800 और चौथा चला तो 8000, मतलब है कि 8 के बाद तीन जीरो लगेगा और ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया, बस हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे बी नंबर में ले लेते हैं, बी नंबर को भी जानना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सपोज मेरे पास अब मिलीमीटर में हम लोग हैं और सेंटीमीटर में जाना है, तो मतलब अभी तो हम लोग बड़ा से छोटा जा रहे थे तो उसमें मल्टीप्लाई हुआ, अब जो है छोटा से बड़ा में जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बिना स्क्वायर का ले लेते हैं, ये हो गया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से हमको जाना है तो कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो एक्चुअली होता क्या है, ये होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इस तरह से होता है जनरली जो हम लोग को याद रहता है, तो बड़ा से छोटा में जाने में इस तरह से होता है। और जब हम लोग छोटा से बड़ा में जाते हैं तो उसी का उलट हो जाता है, ये 10 है तो 1/10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 mm 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, इसमें हम लोग को जाना है सेंटीमीटर में। उसके बाद जो है स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं तो 1 mm स्क्वायर इक्वल टू, तो 1/10 दिया हुआ है, 1/10 तो स्क्वायर पावर 2 होता है, तो दो बार हम इसको लिखेंगे 1/10, 1/10, ये हो गया सेमी स्क्वायर, ये तो निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब ये है 1 mm स्क्वायर इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 8500 दिया हुआ है, तो हमारे पास कितना mm है, 8500 mm स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 85 जो है वो ये हो गया, यहाँ पे आ गया, ये हो गया, और इसका 100 जो है ये यहाँ आ गया। अब क्या होगा, ये 20, ये 20 कट गया, तो बच क्या गया 85, इसका मतलब है कि 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया, हो गया कंप्लीट। इस तरह से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 77 लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर और एंड 23 मीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, फाइंड इट्स पेरीमीटर एरिया, ये सिंपल है। अब यहाँ पे आपको कभी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर का क्वेश्चन देता है तो आप अगर पिक्चर को समझ जाते हैं, समझिए कि आप उसका 50% हिसाब बना लिए, ये हो गया रेक्टेंगल हो गया और लेंथ इसका हो गया 50 मीटर और ब्रेथ हो गया 23 मीटर, ये हो गया। अब इसका निकालना है, सबसे पहले निकालना है ए नंबर में पेरीमीटर ए, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला ये होता है 2 × L + b, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2, L है 50 और ये है 23, इसका मतलब क्या हो गया, इसको ऐड कर देते हैं पहले, 2 × 70 हो गया 73, तो 73 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 हो गया और 7 × 2 = 14, इतना मीटर हो गया। पेरीमीटर में स्क्वायर हम लोग को लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो सिर्फ मीटर लिखेंगे और ये एक आंसर ये हो गया ए का, और बी में एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है एरिया, तो एरिया हम लोग बी में निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, तो इंटू करना है तो L है 50 और 23, तो जीरो वाला मल्टीप्लाई में क्या होता है कि जीरो वाला जो है इसको छोड़ दिया जाता है, जीरो बाद में लगा सकते हैं, 23 यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, 23/23 × 5, तो 15 हो गया और 1 × 5 = 10, 1 = 11 हो गया, तो इसका मतलब है 115 पे एक जीरो लगा दिए, तो इसमें स्क्वायर लगाना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना आप लोगों को कि एरिया जब किसी का निकालेंगे तो उस पर लगाएंगे स्क्वायर, तो ये इसका आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 78 द साइड
द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ये 56 मीटर हो गया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग इट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे बन जाएगा 78। हमारे पास क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 56 मीटर। सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इनटू साइड, 56 इनटू 56, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 सिक्स जा 36, 3 हो गया, 65 जा 33 हो गया, और ये 56 जा 30 हो गया, 0 3 बच गया, 55 जा 25 और 3 28, 6 3 8 3 11 1 और ये 3, तो इसका आंसर आ गया 31 36, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब जो है कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट निकालने के लिए 1 मीटर का 10 रुपीज़ है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, जितना मेरे पास है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो इस पे आ जाएगा, तो कितना हो गया इक्वल टू 31 36 पे 10, ये हो गया इतना रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमको रुपीज़ निकालना है, रुपीज़ ये आंसर हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 79 पे हम लोग चलेंगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम 6 मीटर इंटू 3.5 मीटर एट द 45 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये जो है तो ये ट्रेंगुलर रूम है, तो इसको यहाँ पे इजी है बनाना, बना लेते हैं, इसको सबसे पहले एरिया निकालेंगे और उसको जो है पर मीटर स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 79 ये हो गया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रूम ये हो गया एल इंटू बी, तो एल इंटू बी यहाँ दिया हुआ है 6 इंटू 3.5, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 21, तो यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो एरिया निकालने पर आपको बतलाएं कि स्क्वायर लगाना अनिवार्य है, इतना मीटर हो गया। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इक्वल टू, तो उसका पर मीटर स्क्वायर का 45 रुपीज़ है, तो 45 रुपीज़ के साथ 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ₹945, ये हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फॉलोइंग, डिग्री क्लोजनेस ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ या फिर जो इसमें से छोटा होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं दिया हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो जो छोटा है छोटा से बड़ा तक जाने में कितना स्टेप लगता है, तो वही स्टेप जो है वो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि बड़ा जो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसमें छोटा वाला फ्रैक्शन उसको माइनस कर देंगे और उसका जो नंबरेटर आएगा वही आंसर होगा, तो इसको ईजिली बनाएंगे ए नंबर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको जो डिनोमिनेटर है इसको सेम कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो बड़ा कर सकते हैं छोटा नहीं कर सकते हैं, इस ये बड़ा है 9, तो इसको भी 9 कर लेते हैं, तो हमारे पास 2/3 2 4/9 ये दिया हुआ है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, 2/3 इंटू हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसके इक्वल करना है सिर्फ डिनोमीटर, तो यहाँ हो गया 6/9। अब ये और ये जो इक्वल डिनोमीटर हो गया, तो अब पता चल जा रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, इसको कर लेते हैं माइनस, तो छोटा बड़ा से ही करना होगा, बड़ा से छोटा को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6/9 माइनस 4/9 ये हो गया, तो इसको 9 6 - 4 इक्वल टू 2/9, तो 2 स्टेप जाना पड़ेगा, यहाँ जो नीचे से मतलब कम से जो हमको यहाँ तक जाना है तो 2 स्टेप जाना पड़ेगा तब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, इसका मतलब है कि 2 इसका आंसर है, इक्वल टू 2 आंसर हो गया। उसके बाद बी नंबर में, बी नंबर इसमें दिया हुआ है 1/16 2 1/4, तो सबसे पहले क्या करेंगे डिनोमीटर को इक्वल कर देते हैं, तो इसका एक बड़ा वाला का इक्वल बनेगा, तो 1/4 इंटू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4/16 ये हो गया,
अब ये 16 तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं, कम से चलेंगे यहाँ तक, तो कितना स्टेप लेना पड़ेगा, तो बड़ा से इसको छोटा वाला को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा है तो इसको करते हैं माइनस 1/16, क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 4 - 1 इक्वल टू 3/16। इसका मतलब है कि 3 स्टेप हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हमको पहुँच पाएंगे हम लोग यहाँ पर, मतलब इसमें पहुँच पाएंगे। तो इसका मतलब है कि 3 इसका आंसर है। ये हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है 81। ए क्यूबॉइड इज इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड एंड इतना मीटर हाई, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है उसको लिख लेने से हम लोग को पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे तो इसका क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, और सारा कुछ दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5 इंटू 2 इंटू 1.5। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला दिया हुआ है L इंटू बी इंटू एच, तो इसके अनुसार सबको यहाँ पे सेट कर दिया है, L इतना है, B इतना है और H इतना है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 7.5। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो मीटर लिखेंगे और ऊपर में क्यू लगाएंगे, क्योंकि जब एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगता है और जब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यू लगता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक आज क्लियर करता हूं, और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में इसको कंप्लीट कर दूंगा और वो कम्प्लीटली ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है, आप हमारे वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो इसी तरह का कई सारा वीडियो मैं डालने वाला हूँ और क्लास का वीडियो आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।